अनुज कपाड़िया की जिंदगी के बारे में अगर कोई गहराई से जानता है तो वो है जीके, यानी कि उसके गोपी काका। गोपी काका को अनुज की हर छोटी और बड़ी बात के बारे में काफी कुछ पता है और इसी वजह से अनुपमा अपने दिल के सवालों को लिए पहुंचेगी जीके के पास। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो अनुपमा का अपकमिंग ट्रैक होगा बहुत ही धमाकेदार, क्योंकि अनुज के साथ साथ अनुपमा ये दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो है इक्वेशन बदल रही है, क्योंकि अनुपमा अपनी जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स का सामना अकेले नहीं करेगी, उसके साथ खड़ा होगा अनुज। भले ही एक दोस्त और एक बॉस की तरह खड़ा हो, लेकिन अनुज चाहता है कि वो अब अनुपमा को किसी भी तरह की परेशानी को फेस नहीं करने देने वाला। इसी के चलते जब अनुज को पता चलेगा कि वनराज अनुपमा को परेशान कर रहा है और उसके काम करने के सख्त खिलाफ है, तो अनुज फैसला लेगा कि अगर इस बार अनुपमा किसी तरह की मुश्किल में फंसी या उसे कोई प्रॉब्लम हुई तो अनुज चुप नहीं बैठेगा। वो वनराज को अपोज करेगा, उसके खिलाफ एक्शन लेगा। इसी वजह से अनुज और वनराज के बीच बहुत सारी गर्मा गर्मी भी होने वाली है, काफ़ी लड़ाई इन दोनों के दरमियान देखने के लिए मिलने वाली है। अनुज को पहली बार इतना गुस्सा करते हुए देख अनुपमा भी चौंक जाएगी और अनुज का गुस्सा ऐसा होगा कि अनुपमा किसी के सामने कुछ कह नहीं पाएगी। इसीलिए अनुपमा जीके के पास पहुंचेगी अपने कुछ सवालों को लिए। उसके मन में अनुज को लेकर कुछ सवाल हैं, वो अनुज के बारे में जानना चाहती है और इसीलिए उसे लगेगा कि गोपी काका से बेहतर तरीके से उसके दिल की कश्मकश को कोई और दूर नहीं कर सकता। तब तक गोपी काका पिछले 26 सालों से क्या बीत रही है अनुज पर, ये बात बताएंगे अनुपमा को। अनुपमा को ये बात पता चलेगी कि अपने माँ बाप को खो देने के बाद अनुज कितना अकेला हो गया था, और इससे पहले जब अनुपमा कॉलेज छोड़कर चली गई थी तब भी एक गहरा सदमा लगा था अनुज को। इसके बाद से ही अपनी जिंदगी में इतने प्रेशियस टीम मेंबर्स को खो देने के बाद अनुज हमेशा के लिए अकेला हो गया और सिर्फ जीके के साथ रहा। अनुज ने फैसला लिया कि वो कभी जिंदगी में शादी नहीं करेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर अनुपमा को ये भी पता चला कि उसने अपना करियर अच्छे से सेट कर लिया था। तो इसके बाद अनुपमा को अनुज के लिए बुरा तो लगेगा, लेकिन यहाँ अनुज की भी अपनी मजबूरी और हौसले हैं कि वो अनुज के साथ कोई रिश्ता नहीं बना सकती। वेल, अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि कौन सा नया मोड़ लेती है सीरियल अनुपमा की कहानी।